वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो आज हम आपका प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इवेंट के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड इवेंट के बारे में। देखो यहाँ से अगर कंपाउंड इवेंट की बात करूँ तो कंपाउंड इवेंट आपके कैसे लाइक करते हैं। देखो कंपाउंड कंपाउंड इवेंट्स कंपाउंड इवेंट्स देख कंपाउंड इवेंट होता क्या है। सपोज करो हमारे पास कोई दो इवेंट है, हम यहां दो इवेंट ले रहे हैं। एक ले रहे हैं लेट ई1 इज एन इवेंट, जिसमें क्या क्या एलिमेंट ले रहा हूं मैं यहां से आपका 1, 2, ठीक है। ई2 एक दूसरा इवेंट ले रहा हूं जिसमें क्या क्या ले रहा हूं यहां से आपका 3, 4, कह रहा हूं यहां से आपका 3, 4 कह ले रहा हूं 3, 4। दो यहां से इवेंट लिए, एक लिया इवेंट E1, एक इवेंट यहां से क्या लिया E2, क्या लिया आपका यहां से E2। अब देखो यहां से मैं एक नया इवेंट यहां पे बनाता हूं, उसका नाम बोलता हूं E Union F या E1 Union E2। एक नया इवेंट बनाता हूं जिसका नाम है E1 Union E2। क्या बनाया यहां से? एक नया इवेंट बनाया जिसका नाम क्या रखा? E1 Union E2। अब यूनियन का यहां मतलब क्या होता है? E1 and E2। क्या लिखता हूं यहां पे? E1 and E2। क्या इसका मतलब होगा? E1 and E2। तो E1 Union E2 का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है ऑल। क्या मतलब होता है यहां से? ऑल। यूनियन का मतलब क्या होता है? ऑल। अगर बोलूंगा राम श्याम एंड सीता तो इसका मतलब हुआ तीनों एक साथ हुए, तो यूनियन का यहां से मतलब क्या आएगा? ऑल। ठीक है, यूनियन का यहां से कैसे लिखता हूं मैं? ऑल। तो यूनियन का मतलब होगा यहां पे सभी के एलिमेंट कॉमन नहीं करने हैं, सभी के टोटल एलिमेंट यहां पे लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? सभी के टोटल एलिमेंट यहां पे लिखने हैं। सपोज करो E1 और E2 यहां पे दो इवेंट थे, ठीक है, जिससे हमने नया इवेंट बनाया यहां पे, वो क्या बनाया? E1 Union E2। क्या बनाया? E1 Union E2। अब जो यहां पे E1 Union E2 आया वो हमारे पास यहां पे क्या आया? कंपाउंड इवेंट। क्या आया? कंपाउंड इवेंट। क्यों? क्योंकि ये इवेंट किसी दो इवेंट्स को मिला के बन रहा है, ये इवेंट किसी दो इवेंट्स को मिला के बन रहा है, इसलिए हमने यहां से इसको क्या बोला? कंपाउंड इवेंट। क्या बोला यहां से इसको? कंपाउंड इवेंट E1 Union E2। ये बात समझ आई आपको? यहां से E1 Union E2 का मतलब हुआ ये कैसा है हमारे पास? कंपाउंड इवेंट। ये बात आपको यहां समझ आ रही है? अब देखो यहां से अगर मैं सपोज करूं दो इवेंट ले रहा हूं, एक इवेंट है E1, ठीक है, एक इवेंट यहां से क्या है? E1, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। एक इवेंट यहाँ से लिया E2, उसमें एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाऊँ, सपोज करो अगर ये सैम्पल स्पेस है, ये क्या है यहाँ से? सैम्पल स्पेस। और इस सैम्पल स्पेस में दोनों इवेंट को शो कर रहा हूँ, E1 क्या शो किया? E1। और दूसरा इवेंट का यहाँ से E2, क्या शो किया यहाँ से? E1। और दूसरा इवेंट यहाँ से क्या है? E2। अगर दो E1 और E2 में मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट रखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जो E1 में भी होंगी और साथ में वही वैल्यू कहाँ होगी? E2 में भी होगी। कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जो E1 में भी है और वही वैल्यू कहाँ पे है आपकी? E2 में है। इसका मतलब जो यहाँ से ये पार्ट आया, यहाँ से ये पार्ट आया है, दोनों में कॉमन है, मतलब उन नंबर को हमने दो दो बार नहीं लिखना है। जब हम ऐसे इवेंट का कंपाउंड इवेंट बनाएंगे तो यहाँ पे नंबर को दो बार नहीं लिखेंगे, नंबर को एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करता, यहाँ पे अगर ये आपका सैंपल स्पेस है S, तो ये बनता इवेंट E1 और ये बनता यहाँ से इवेंट E2। ये इवेंट E1 और ये बनता यहाँ से E2। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट कॉमन है, इसका मतलब जब मैं इसकी यूनियन लिखूंगा E1 Union E2, वो कैसे आएगा यहाँ से आपका? यहाँ आएगा सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे जो 3 और 4 है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन हमने उसको कैसा लिखना है? उसको एक ही बार काउंट करना है, उसको यहाँ पे एक ही बार काउंट करना है। अब देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन से आए? यहाँ कॉमन एलिमेंट आए 3, 4, यहाँ पे क्या आया? 3 और 4, ये कॉमन है ना। अगर 3 और 4 इवेंट E1 में और इवेंट E2 में कॉमन है तो यहाँ पे इसको एक अलग से नाम देता हूँ, उसे बोलता हूँ इंटरसेक्शन।
क्या नाम लेता हूँ यहाँ पे, इसको बोलता हूँ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को यहाँ बोल सकते हैं कि दोनों इवेंट के कॉमन पार्ट, क्या बोलते हैं, दोनों इवेंट के जो कॉमन पार्ट होंगे उनको यहाँ क्या बोल सकता हूँ, इंटरसेक्शन। मतलब यूनियन का यहाँ क्या मतलब हुआ, यूनियन को यहाँ लिख सकता हूँ एंड में, ठीक है, और यूनियन को क्या बोल सकता हूँ यहाँ से आपका, क्या बोलूँगा, ऑल, क्या बोलूँगा यहाँ से आपका ऑल, क्या बोलूँगा ऑल। साथ में अगर यहाँ बात करूँ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को यहाँ कैसे लिखूंगा, और ऑल को यहाँ बोल सकता हूँ कॉमन पार्ट, क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका कॉमन पार्ट, क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका कॉमन पार्ट। अब देखो अगर बात करूँ इवेंट E1 की, तो इवेंट E1 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे N ऑफ E1, कितने हैं N ऑफ E1। नंबर E2 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे N ऑफ E2। ये बात समझ आए यहाँ से। अगर इंटरसेक्शन की बात करूंगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब है यहाँ पे कोई पार्ट ऐसा है जो दोनों में क्या है कॉमन, कोई पार्ट ऐसा है जो दोनों में क्या है कॉमन, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 इंटरसेक्शन एलिमेंट ऑफ E2। क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E2। क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E2। ये बन क्या है यहाँ से आपका। अब देखिए यहाँ से अगर बात करूँ यहाँ पे यूनियन कैसे निकलेगा, तो हम बोल सकते हैं E1 यूनियन E2, क्या बोल सकते हैं यहाँ से आपका E1 यूनियन E2 के जो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल आएंगे वो कैसे आएंगे, देखो वो यहाँ आएंगे किस फॉर्म में, देखो अगर बात करूँ इसमें 6 एलिमेंट आ रहे हैं, कितने एलिमेंट आ रहे हैं 6, इसमें 4 है इसमें 4 है, तो दोनों आपस में ऐड होंगे, क्या बनेंगे, इंटरसेक्शन सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 और E2 के, ये किया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E2, लेकिन इनको ऐड करूंगा कितना आंसर आएगा 8, कितना आंसर आएगा 8, लेकिन है कितने एलिमेंट यहाँ पे 6, कितने एलिमेंट है यहाँ पे 6। मतलब कोई ऐसा पार्ट है जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, वो सब्ट्रैक्ट कौन सा पार्ट होगा यहाँ पे, जो कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट यहाँ से क्या है N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, क्या है माइनस N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये क्या है यहाँ से आपका कॉमन पार्ट। यहाँ से करेंगे N ऑफ S इक्वल टू N ऑफ S अपॉन N ऑफ S अपॉन N ऑफ S, ये बनेगा यहाँ से आपका पूरा, है ना। पहले समझ आया कोई इक्वेशन कैसे बनी, तो यहाँ लिख लेते हम साइड साइड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने हैं। देखो N ऑफ E1 यूनियन E2, ठीक है, कैसे आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 माइनस E2, ये बनेगा यहाँ से आपका फॉर्मूला। अगर मैंने इन सबको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या बोलूँ टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड किया, अगर इन सबको टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड किया, तो मैं बोलूँ ये फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल और फेवरेबल अपॉन टोटल, ये बनेगा फॉर्मूला, है ना। तो यहां इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया। ये फॉर्मूला आप सब लोगों ने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं था फॉर्मूला कैसे आया। आज आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि फॉर्मूला कहाँ से एक्चुअल में डिराइव हुआ है। बात करें यहाँ से आपकी, तो क्या बना यहाँ से आपका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया यूनियन का। और इंटरसेक्शन की अगर बात करूंगा, तो इंटरसेक्शन लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, टोटल एलिमेंट इन ए सैंपल स्पेस, ये आपका यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया। यूनियन का मतलब एंड और इंटरसेक्शन का मतलब सॉरी और कॉमन, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इस फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में, और इंटरसेक्शन कैसे लाइक करेगी आपकी इस फॉर्म में। क्लियर,
मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये चीज़ समझ आई होगी। अब देखिए यहाँ से इसके साथ एक टॉपिक लाई करता है जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स, डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स। देखिए यहां से क्या है, अगर बात करूं डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट की, ये कंपाउंड इवेंट में ही लाई कर रहा अभी ना, डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स की, तो डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट का मतलब है कि यहां पे एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट होगा, यहां पे एक इवेंट दूसरे इवेंट पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, यहां पे एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट होगा। तो कैसे बोल सकता हूं, यहां देखो सपोज करो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये एक बीकर है जहां एक बॉक्स है जिसमें कुछ बॉल है आपकी, ठीक है, तीन यहां से आपकी ब्लू बॉल है, थ्री ब्लू बॉल, ठीक है, देन बोल रहा हूं यहां से आपकी फोर ब्लैक बॉल है, ठीक है, और यहां से क्या है आपकी टू रेड बॉल, यहां से आपकी टू रेड बॉल, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन यहां ले रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड बॉल, ठीक है, टेकन वन बाय वन, ठीक है, फ्रॉम द बीकर, यहां पे कैसे करेंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड बॉल की बात करूं तो हमें आंसर पता है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसके आंसर क्या आएगा, टोटल कितनी है, तीन दो पांच और यहां कितना हुआ नौ, तो नौ बॉल है, यहां आंसर आएगा टू बाय नाइन इंटू वन बाय नाइन, टू बाय नाइन इंटू वन बाय एट, टू बाय नाइन इंटू वन बाय एट। ये मैंने यहां पे इसको इस तरीके से कैसे लिखा अभी आपको समझ आएगा। देखो यहां से क्या आपको, आपका दो बॉल निकालनी है ना आपको, तो दो बॉल कैसे निकालेंगे, सपोज करो पहले आप यहां से एक बॉल निकालोगे, है ना, जब आपने एक बॉल बाहर निकाल दी तो ये बीकर कैसा बन जाएगा, अब आपका ये आपने एक बॉल यहां से बाहर निकाली रेड बॉल, है ना, अब यहां पे जो बीकर है वो कैसा बन गया आपका, तो आप बोलोगे बीकर इस फॉर्म में बन गया कुछ, एक दो तीन, यहां पे क्या है, एक दो तीन चार, जब एक बॉल बाहर निकाल दी यहाँ पे क्या बच गई, एक बॉल, यहाँ पे क्या बच गई आपकी, एक बॉल, ठीक है। देखो दो बॉल निकालनी है, दोनों को एक साथ ही निकाल सकते हो आप, एक एक करके बॉल निकालोगे, तो मैं पहले इवेंट को यहाँ से कोई नाम देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या नाम है यहाँ से आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को यहाँ लिख सकता हूँ कैसे, इक्वल टू टू बाय नाइन, क्योंकि नाइन बॉल में टू रेड बॉल है, तो पहली बॉल निकालने को प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, टू बाय नाइन, कितनी बनेगी, टू बाय नाइन। अब एक बॉल तो बाहर निकल गई है, अब देन मैंने यहां से फर्दर सेकंड बॉल बाहर निकालनी है, देन यहां से फर्दर सेकंड बॉल बाहर निकालनी है, जब फर्दर सेकंड बॉल यहां से बाहर निकालनी है, इसका मतलब क्या बनेगा, यहां से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मैंने इस इवेंट का नाम दिया, जब सेकंड बॉल बाहर निकालनी है उसकी, उसको नाम दिया एफ, फर्स्ट बॉल को नाम दिया, फर्स्ट बॉल के इवेंट को नाम दिया ई, सेकंड बॉल के इवेंट को नाम दिया एफ, लेकिन जो सेकंड बॉल बाहर निकलेगी वो सेकंड बॉल जो है उसका जो इवेंट है वो पहले वाले इवेंट पे डिपेंडेंट है, वो पहले वाले इवेंट पे डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि पहले वाला इवेंट से अगर बॉल निकलेगी देन मैं यहां पे सेकंड वाली बॉल निकाल सकता हूं, तो इसका मतलब जो एफ है वो क्या है, डिपेंडेंट ऑन ई, मैं बोल सकता हूं यहां पे एफ डिपेंड अपॉन ई, क्या बोल सकता हूं यहां से आपका F depend upon E, मतलब जो यहाँ पे event F है वो E पे depend कर रहा है, वो E पे depend कर रहा है, अगर F event E पे depend कर रहा है तो उसका यहाँ बनेगा probability of F upon E, probability of F upon E, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो event F है वो event E पे dependent है, तो यहाँ से आपका event F है वो इवेंट ई पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इससे बोलते हैं डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, जब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे, जो उससे पहले इवेंट हुआ होता है उस पे डिपेंडेंट होता है, जो इवेंट अभी टेक प्लेस हो रहा है वो इवेंट अपने से पहले वाले इवेंट पे डिपेंडेंट होगा, तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, या बोलते हैं डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स, क्या बोलते हैं यहां से, डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। अब देखो अगर सेकेंड वाले केस की बात करूं, इसका आंसर कितना निकल के आएगा, तो हम बोलेंगे
आठ टोटल बॉल है जिसमें से एक बॉल क्या है आपकी यहाँ रेड बॉल, आठ टोटल बॉल है जिसमें से एक बॉल क्या है आपकी यहाँ रेड बॉल, तो चार तीन सात और एक आठ, तो आंसर आएगा 1/8। कितना आंसर आएगा 1/8। तो इसको यहाँ किस फॉर्म में लिखूंगा, देखो ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, क्या बना इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, क्या बना इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E। अब दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड बॉल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड बॉल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, क्यों, क्योंकि दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और साथ में एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है और दोनों इवेंट में कुछ कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है, जो बाकी बची हुई बॉल है, तो यहाँ पे बाकी बची हुई बॉल है वो क्या है कॉमन पॉइंट, तो इसलिए यहाँ पे यह लिखा मैंने इंटरसेक्शन E1 और E2 के बीच का। ये बात आपको समझ आई यहाँ से। अब देखो यहाँ से मैं कैसे फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ ये फॉर्मूला क्या बना यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, सॉरी E1 इंटरसेक्शन E2 लिखो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F लिखो, क्योंकि मैंने इवेंट के नाम यहाँ चेंज कर दिया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यहाँ पे हम वैसे ही लिखेंगे E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1। जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये फॉर्म भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि जो E2 है वो E1 पे क्या है डिपेंडेंट, ये क्या बता रहा है, ये शो कर रहा है डिपेंडेंसी ऑफ ऑफ E2 ऑन E1, क्या बता रहा है डिपेंडेंसी ऑफ E2 ऑन E1। ये जो E2 इवेंट है वो E1 पे डिपेंडेंट है, मतलब जो यहाँ पे F इवेंट है वो E इवेंट पे डिपेंडेंट है, तो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये चीज समझ आई आपको डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट क्या होता है। सेकंड अगर बात करो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, तो अगर यही क्वेश्चन हूं, सेम क्वेश्चन यहां ले रहा हूं आपका, ठीक है, देखो यहां क्या है, तीन ब्लू बॉल है, यहां पे भी तीन ब्लू बॉल है, यहां दो रेड बॉल है, यहां पे भी दो रेड बॉल अभी लिख रहा हूं, आगे कैसे आएगा बताऊंगा। यहाँ पे फोर ब्लैक बॉल है, एक दो तीन और चार, यहाँ पे क्या है एक दो तीन और चार क्या है ब्लैक बॉल। अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट होती है, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट का मतलब है कि जब सेकंड इवेंट पहले वाले पे डिपेंडेंट नहीं है, जब सेकंड इवेंट पहले वाले पे डिपेंडेंट नहीं है उसे बोलते हैं यहाँ पे आपका क्या इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। इसका मतलब यहाँ अगर इस केस की बात करूँ ना तो आपको डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट से समझ आ गया होगा कि ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है। कौन सा केस है यहाँ से आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कौन सा केस है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, कौन सा कैसा यहाँ से आपका ये विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो बाहर बॉल बाहर निकाली उसको मैंने वापस से अंदर नहीं डाला, तो कौन सा केस हुआ यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे कौन सा केस है रिप्लेसमेंट, जब यहाँ से बॉल बाहर निकली देन बॉल वापस अंदर जाएगी, देन बॉल यहाँ कहाँ जाएगी वापस से अंदर, फिर यहाँ से बॉल बाहर निकली, ठीक है, फिर यहाँ से वापस अंदर जाएगी, ये केस है यहाँ पे आपका ना। तो अगर ये केस की बात करूँ तो आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड क्या निकल के आया यहाँ पे 2/9 इंटू 2/9 क्या निकलेगा 2/9 इंटू 2/9 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ कितना से आएगा 2/9 इंटू 2/9। अब यहाँ क्या है, जो पहला इवेंट था उसका नाम था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सेकेंड इवेंट था उसका नाम था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये इवेंट पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा तो हमने सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखा, अगर डिपेंड करता तो लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, मतलब जो इवेंट एफ है वो इवेंट ई पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा इसको ऐसा लिखा, तो यहाँ लिख सकता हूँ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये बात बनी यहाँ से आपकी। तो यहाँ कैसा लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये कौन सा केस बना यहाँ से आपका, ये बना यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। क्या होना है यहाँ आपका, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। अगर ये पहला केस विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये कौन सा केस होगा, रिप्लेसमेंट केस। क्या होगा यहाँ आपका, रिप्लेसमेंट केस। क्या होगा यहाँ आपका, रिप्लेसमेंट केस। ये अगर पहला आपका रिप्लेसमेंट केस है, सेकंड वाला कौन सा केस होगा आपका, सॉरी फर्स्ट आपका विदाउट रिप्लेसमेंट है, सेकंड कौन सा केस आपका, रिप्लेसमेंट केस। क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला इवेंट पहले वाले पे डिपेंड नहीं हो रहा है, हमने बॉल बाहर निकाली, बॉल को अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब यहाँ से आपकी सैंपल स्पेस कम नहीं हुई और ना ही आपके चांसेस यहाँ पे कम हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपके चांसेस भी कम हुए और साथ में सैंपल स्पेस भी जो है कम। तो यहाँ लिख सकता हूँ आपका चांसेस डिक्रीज सैंपल स्पेस इंक्रीज, चांसेस इक्वल मतलब सेम और सैंपल स्पेस भी क्या हुआ, इक्वल मतलब क्या हुआ, सेम लाइक किए। क्या लाइक है यहाँ से आपके, सेम लाइक किए। अब एग्जाम में कभी कभार डायरेक्टली यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड इवेंट लाइक करते हैं। चार तरह के कंपाउंड इवेंट है, एक है आपका इंटरसेक्शन केस, एक है यूनियन केस, थर्ड है यहाँ से आपका कि डिपेंडेंट इवेंट, और फोर्थ है यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये आपकी क्लास आज की ये लाइक करती है प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने चार टॉपिक पढ़े हैं कंपाउंड इवेंट के बीच में। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ और पढ़ेंगे कि एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, जब दोनों इवेंट एक साथ लगते हैं, जब दोनों में से एक इवेंट लगता है, तो वो केस प्रोबेबिलिटी का किस तरीके से बन के आता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।